नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और एसएससी सीएचएसएल भर्ती में आवेदन करके साल 2020 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2020 के बारे में, जिसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग 3 दिसंबर 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी 2020 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको इस भर्ती के अंदर तीन तरह की पोस्टें मिलेंगी। एक तो हो गया LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, और यहाँ पे आपको 35,400 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रखी गई है। और यहाँ पे DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं, जहाँ पर 26,800 रुपये पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पे आपको असिस्टेंट की पोस्टें भी मिलेंगी, जहाँ पर आपको 25,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा सीधी भर्ती है, पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप लोग देख पाएंगे नवंबर 30 2019 का बड़ा अपडेट है, एसएससी 10+2 सीएचएसएल रिक्रूटमेंट है 2019 के लिए। और यहां पे आपको टोटल जो है तो 3,259 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं डेट की, तो आपका जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन वो 3 दिसंबर 2019 को जारी किया जाएगा, और आप लोग 3 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड एग्जाम डेट जब भी आएगा आपको नौकरीखबर.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आपको बेसिक यहाँ पे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डेट बता दी गई है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा एसएससी के रूल के हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस यहां पे जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपये, और जो एससी एसटी पीएच और महिलाएं कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। आप लोग ई चलान, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर पाएंगे। आपको LDC और यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें मिलेंगी। साथ में यहाँ पे आपको सारी जानकारी बताई गई है। पोस्ट वाइज LDC के लिए 898, और यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट है उसके लिए 2,359, और DEO के लिए 2 पोस्टें रखी गई हैं। 5200 रुपये से लेकर 20,200 आपको ट्रेनिंग के दौरान में दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम क्रॉस कर रहे हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा और यहाँ पे क्या क्या सिलेक्शन होगा, कैसे, उसके बारे में सारी जानकारी है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक 3 दिसंबर 2019 को एक्टिव हो जाएगा। डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आ चुका है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोडिंग में लग के ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे और आप लोग इसको PDF के रूप में ओपन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती है, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और यहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।